हेलो एवरीवन, आज मैं आपको आलू पत्ता गोभी बनाने की आसान रेसिपी बताऊंगी। इस तरीके से आप एक बार आलू पत्ता गोभी बना कर देखें, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और ये खिली खिली सब्जी सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज पत्ता गोभी का फूल लिया है, जिसे बारीक काट लिया है। अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, पानी ऐड करेंगे और इसी के साथ एक चम्मच नमक ऐड करेंगे। इसे अच्छे से वॉश करके पानी को अलग निकाल देंगे। पत्ता गोभी कट करते समय मैंने डंठल को अलग निकाल दिया था, क्योंकि पत्ता गोभी बहुत ही जल्दी पक जाती है और डंठल को पकने में टाइम लगता है। ये देखिए, मैंने इसका पानी अलग कर रही हूँ। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे और तेल को गर्म होने देते हैं। अब इसमें 1 चम्मच सरसों ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और इसी के साथ 1/4 टेबल स्पून हींग ऐड करेंगे और इन सबको 10 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, सरसों हमारी अच्छे से चटक गई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई अदरक और इसी के साथ हम ऐड करेंगे 1 बड़े टुकड़ों में काटा हुआ प्याज। अब आपको गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे थोड़ी देर प्याज को पका लेना है। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है यहाँ पे। ये देखिए, प्याज का मॉइस्चर खत्म हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज आलू, जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 3/4 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और इन सबको मिला देंगे। गैस का फ्लेम अभी हम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे ही मिक्स करने के बाद कढ़ाई को कवर करके 3 से 4 मिनट तक आलू को पकाएंगे। 4 मिनट हो चुके हैं। अब एक बार सब्जी को मिला देंगे, जिससे कि ये कढ़ाई के नीचे चिपके नहीं। अब इसमें पत्ता गोभी ऐड करेंगे। पत्ता गोभी का पूरा पानी हमें निकाल देना है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए इसमें। पूरी पत्ता गोभी हम इसमें ऐड कर देंगे। मैं सब्जी 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। 1 मीडियम साइज पत्ता गोभी का फूल सफिशियंट है इसके लिए। 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 3/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इन सबको मिला देंगे। मसाले आपको ऊपर से ही डालने हैं। अब हमारी गोभी पकेगी तो मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे। और ये देखिए, सभी मसालों और गोभी को हमने मिक्स कर दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर, जिसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और कढ़ाई को कवर करके लो फ्लेम पे हम सब्जी को 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम खोल के देखते हैं। अब हम सब्जी को मिला देंगे और ये देखिए, सब्जी में अभी नीचे मॉइस्चर है और पूरी तरह से हमारी सब्जी अभी नहीं पकी है, लेकिन 5 मिनट बाद एक बार सब्जी को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला और सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून देसी घी। इससे हमारी सब्जी और ज़्यादा टेस्टी और एकदम खिली खिली बनेगी। इन सबको मिला देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फिर से कढ़ाई को कवर करके 3 मिनट के लिए सब्जी को लो फ्लेम पे पकाएंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। हमारी सब्जी बनकर तैयार है। ये देखिए, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं है कढ़ाई में नीचे। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक बार पूरी सब्जी को मिक्स करेंगे। और ये देखिए, हमारी खिली खिली पत्ता गोभी की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, एकदम खिली खिली सब्जी बनी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी है। आप एक बार इस तरीके से सब्जी ज़रूर बनाएं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है और एकदम खिली खिली सब्जी बनती है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं नोटिफिकेशन पाने के लिए। रेसिपी को लाइक एंड शेयर जरूर करें एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं
कि आपने जब ये सब्जी बनाई तो आपकी सब्जी कैसी बनी।